तो मैं दिल्ली में, आज माहौल क्या है आपको पता है, अभी शुरुआती मोहनी जिसको कहते वही अच्छी हो गई आपने देखा। तो मैं अब इस वक्त एक चाय की दुकान पर हूँ, पोशाक से आपको समझ में आ ही जाएगा कि दक्षिण भारत के लोग हैं, यहाँ लुंगी देख करके आपको समझ में आ ही गया होगा। तो किस स्टेट से हैं आप लोग? केरल से। आपने लुंगी नहीं मारा? लुंगी है, लुंगी है, मेरे पास लुंगी है। पास है, पहने नहीं है। अच्छा, आप कहाँ, आप भी केरल से? हम भी केरल से। आप लोग केरल में रहते हैं या दिल्ली में? नहीं, हम केरल में रहते हैं। तो इधर किस लिए आए? कल तो ये धरना है CAT और किसान मजदूर संघर्ष रैली कल। अच्छा, वो फसल पे कल CAT और कृषक संघम, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया एग्रीकल्चर कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट लेफ्ट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, केरल के मिल गए, थोड़ा केरल के पॉलिटिक्स, ये कांग्रेस और लेफ्ट बंगाल में अगेंस्ट लड़ते थे, एक हो गए, त्रिपुरा में अगेंस्ट लड़ते थे, एक हो गए, केरला में अगेंस्ट लड़ते हैं, अब आगे क्या होगा? उधर से आगने का कोई जरूरत नहीं, बंगाल और त्रिपुरा, पहले बंगाल में लेफ्ट स्ट्रांग था, त्रिपुरा में भी स्ट्रांग था, आजकल BJP और समाजवादी पार्टी, ममता बनर्जी का पार्टी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस, इसलिए वो तो 30 साल लेफ्ट था वहीं पे, त्रिपुरा में भी है, फिर BJP तो हो गया। लेकिन फिर ये तो आप डबल स्टैंडर्ड है ना, दो जगह तो आप हाथ मिला ले रहे हो और केरल में आगे आमने सामने लड़ रहे हो, ये क्या पॉलिटिक्स है? ये आपको समझा रहे कि ये बोलो। अच्छा ठीक है, BJP इन केरला, BJP नॉट अ फोर्स। हाँ बताइए। तो वन डे इट विल बी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो इधर एक दिन आ जाएगी इधर केरल में? नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं। अरे जरूरत हो नहीं हो नहीं। लेकिन जब आप दोनों होएगा नहीं केरल से, ऐसे होएगा नहीं। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस और लेफ्ट अब कैसे आमने सामने लड़ेंगे जब दो जगह लड़ चुके साथ? हियर BJP एंड तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, दे आर टोटली स्क्रब द कॉमन पीपल लाइफ एंड कम्युनल इश्यूज, दे आर बिल्ड अप इन कम्युनल इश्यूज। हमारे दर्शक इनकी बात समझा नहीं था। केरल में बड़ा वर्गीय थे, देवरवाद, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। इधर है ना, और BJP और कांग्रेस ऐसे वो तो सामने लेगा, केरल में वो दोनों अलग अलग है। चलिए देखेंगे केरल का चुनाव, बहुत मजेदार होगा। जी जी सर, नमस्कार। नमस्कार, बताइए सर। मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था सर, इसलिए फिर। अरे मैं तो जो जहाँ जैसे मिल जाता है वैसे ही बात करता हूँ, केरल के लोग थे तो केरल की बात करने लगा। आप कहाँ के, वहाँ की करते हैं? तो हम UP के आगे, अब दिल्ली वासी हो गए हैं। कोई बात नहीं, यूपी दिल्ली तो एक ही है सर। गोरखपुर से हैं, योगी जी के नगर से। जी योगी जी के नगर से हैं, पूछना चाहें जो पूछें योगी जी के बारे में। अरे हम तो मोदी जी और राहुल जी के बारे में पूछ रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया था। तो क्या आप ये, मैं आज ये पूछ रहा हूँ, ये छोटे दल, ये सब एक विपक्षी एकता की बात हो रही है, ये एक होके 2000, मैं रोज यही पूछता हूँ कि अगर ये एक हो जाएंगे तो 2024 का मुकाबला कुछ मजेदार होगा? नो, ये तो टोटल फ्रैक्शनल हो जाएगा, देयर इज लॉट ऑफ फ्रैक्शंस। अपोजिशन जिसको बोलते थे वो तो फ्रैक्शनल हो गई, कास्ट वाइज कर लीजिए या रीजनल पार्टी वाइज कर लीजिए, लॉट ऑफ फ्रैक्शंस देयर। तो अब तो मोर वन साइडेड होता चला जा रहा है टुवर्ड्स BJP। इस बार BJP का UP में क्या हाल रहे? सर BJP का तो अच्छा ही होना चाहिए, राम मंदिर की जो विजय गाथा रही है, राम मंदिर उसके अलावा भी है, लेकिन मतलब शुरुआत तो वहीं से है। क्या है और उसके अलावा? उसके अलावा वहाँ का रोड का नेटवर्क देख लीजिए कितना अच्छा डेवलप हो गया है, उसके अलावा वहाँ की प्रोग्रेस देख लीजिए,
अच्छा ये किताबों से जो मुगलों का निकाला गया है चैप्टर, कांग्रेस का भी, संघ का भी, इस पर भी कुछ विचार है आपका? बिल्कुल विचार है सर। अगर इसको हिस्टोरिकल उसमें देखा जाए तो वहाँ तक जाइए जहाँ ये पहली बार नाम पड़ा था, कितने दिन बाद पड़ा था, कितने दिनों से लोग उसको झेल रहे थे, उस मतलब पीपल ऑफ इंडिया, मतलब रिलीजियस में बात नहीं कर रहा हूँ, क्या झेल रहे थे, कि ओरिजिनल नाम क्या था, फिर किस फोर्स में आके उन्होंने नाम बदला, क्यों बदला, आवाज़ इनकी कैसे दबाई गई, किसकी, मतलब मान लीजिए किसी, अरे यार हम ये पूछ रहे हैं आप किताबों से ये निकाल दें कि ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, ये नहीं पढ़ाए जाएंगे, हाँ। तो क्या वो इतिहास से वो चीज़ें मिट जाएंगी? अपने सहूलियत के हिसाब से मैं मानता हूँ कि पहले भी अपनी सहूलियत के हिसाब से लिखा गया होगा, जैसा कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप इतिहास पढ़ोगे नहीं जी। इतिहास पढ़ोगे नहीं, और इतिहास अपने अपने तरीके से सब लोगों ने लिखा है, अगर मेगस्थनीज और ह्वेनसांग ने लिखा नहीं होता तो भारत के उस समय की काल परिस्थितियों का वर्णन उनसे अच्छा कौन करता? अब उन्होंने कैसा किया इसकी समीक्षा आप कर सकते हैं, लेकिन इतिहास तो पढ़ना जरूरी है भाई। नहीं सर, अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर इसको इंद्रप्रस्थ बुलाना हम शुरू करना चाहें, हमें इजाज़त मिलेगी? नहीं, नाम बदलने से कुछ होता है? कुछ नहीं होता, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर उस समय जब बदला होगा तो उन लोगों ने बड़े आसानी से तो इसको स्वीकार नहीं किया होगा। ये तो ताकत, जिसके सत्ता तब और अब, तो अगर अब उस तरह ताकत जो होती है सत्ता तब और अब भी नाम बदला जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, जिसके पास ताकत रहेगी वो नाम बदल लेगा, हाँ। फिर आने वाला आदमी कोई ताकतवर होगा वो फिर नाम बदल लेगा। लेकिन सर आज की सत्ता और आज की ताकत उस तरह से गवर्न नहीं हो रही है। आज आप छोटी सी PIL लगाना चाहें किसी भी उसके खिलाफ में, किसी भी इसके विरोध में या पक्ष में, तो आप लगा सकते हैं, भाई हमें ये मंजूर नहीं है, पूछेंगे क्या कारण है। PIL कब से लगना शुरू हुई और किसके काल में हुई, इसके बारे में कुछ मालूम है आप? उसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतने दिनों से तो आपको ये नहीं मालूम है कि PIL किसके शासन में शुरू हुआ, कौन उस समय चीफ जस्टिस था? तो जिसने शुरू किया जिसके शासन में वो बड़ा है, या आज आप PIL दाखिल कर ले रहे हैं? शासन की बात नहीं, PIL दाखिल हुआ जब 47 के बाद ही हुआ होगा ना? नहीं नहीं, उसके बहुत बाद सर, 47 के बाद ही हुआ। छोड़िए हिस्ट्री की बात छोड़िए, अभी आप आ जाइए उसमें। मुश्किल ये है कि अब आजकल जब से ये सोशल मीडिया आया है तब से हर आदमी इतिहास भी, भूगोल भी, अर्थशास्त्र भी, विदेश नीति भी, रक्षा भी, हर मामलों पर वो बात करने में सक्षम हो गया सर, गूगल के माध्यम से, व्हाट्सएप से भी। मतलब सर्चिंग तो गूगल से ही होती, जो चीज हम नहीं भी जानते थे, जो हम शायद नहीं पढ़ने का मौका मिला, व्हाट्सएप से भी तो ज्ञान आ रहा है। हाँ, व्हाट्सएप से भी आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जितना ज्ञान आपको स्कूली और कॉलेज के शिक्षा में नहीं मिला, उससे ज्यादा ज्ञान आपको सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया के आने के बाद मिला, ऐसा आप महसूस करते हैं? हाँ, ऐसा तो महसूस करता हूँ सर, क्योंकि हम लोग जो पढ़ने का मौका जो भी मिलता था एक सब्जेक्ट के साथ ही पढ़ते थे, और अब समय है तो सोशल मीडिया कह लीजिए, चाहे मतलब IT का ज़माना कह लीजिए, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ढूंढ सकते हैं। ज़्यादा आपको ज्ञान फेसबुक के जरिए मिलता है, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा? सर अपने लोग तो गूगल से ही ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि फेसबुक और व्हाट्सएप या बाकी जो सोशल मीडिया कह लीजिए उसकी मतलब ऑथेंटिकेटेड वो नहीं हो सकता है, लेकिन गूगल पे तो एक एक टॉपिक पे मतलब बहुत से वो है, तो गूगल पे भी तो पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन रहते हैं कि आप 2-4-10 अगर वो करेंगे तो एक अपनी धारणा बना पाएंगे कि इसमें कितना सही है कितना वो है।